देखते रहिए VN08 न्यूज। राजगढ़ सारंगपुर से जगदीश सिसोदिया की रिपोर्ट। विधायक कुंवर जी कोठर पहुंचे सिविल अस्पताल सारंगपुर। सारंगपुर क्षेत्र के लोगों के मन से कोरोना टेस्ट का डर दूर करने के लिए पूर्व विधायक गौतम जी टेटवाल एवं कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचकर अपना टेस्ट कराया एवं आम आदमी तक ये संदेश पहुंचाया कि टेस्ट कराने से कोई हानि नहीं होती है। वहीं अस्पताल परिसर में व्याप्त गंदगी एवं अव्यवस्था को देख विधायक कुंवर जी अस्पताल प्रशासन से नाखुश नजर आए। अस्पताल के मीटिंग हॉल के पीछे एवं सीढ़ियों पर पड़ी गंदगी को देख विधायक जी ने अस्पताल प्रशासन को गंदगी हटाने के सख्त निर्देश दिए। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। क्या था कि आप अपने नगर पालिका से सफाई कर्मचारी की सप्ताह में एक दिन के लिए हर रविवार को व्यवस्था कर दें, लेकिन आज फिर अचानक यहाँ आज देखने को मिला है। यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं की भी ट्रेनिंग चल रही है, प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। उसके बाद मैंने उनके जो प्रशिक्षण हाल के पीछे देखा तो वहाँ कचरा इकट्ठा पाया गया है। तो आज फिर से मैं BMO और हॉस्पिटल के स्टाफ को सख्त निर्देश दे रहा हूँ कि आगे से ऐसी शिकायत ना आए। और आज ट्रेनिंग देने के लिए हमारे ज़िले से भी डॉक्टर AK सक्सेना साहब आए हुए हैं, उनसे भी मुलाकात की और उनको भी बोला कि इस अव्यवस्था के लिए गंदगी जो व्याप्त है अस्पताल में, तो आप भी जिले स्तर से इनको एक नोटिस दिया जाए ताकि ये भविष्य में ऐसी गलती ना करें। तो जो गंदगी देखा है उसके लिए हम बारंबार इनको सचेत करते आ रहे हैं और जिलों को भी इसके लिए अवगत करा रहे हैं। आप कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ ये हम जो COVID-19 का जो वैश्विक महामारी फैल रही है देश के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हमने यहाँ सारंगपुर में अपने विधानसभा क्षेत्र में देखा कि यहाँ की जनता अपना टेस्ट कराने कोरोना का टेस्ट कराने से डर रही है। तो उनको जगाने के लिए सारंगपुर में जागरूकता लाने के लिए मैं अपने साथ पूर्व विधायक श्री गौतम जी टेटवाल सहित हमारे मंडला अध्यक्ष ललित जी पंकज पालीवाल जी के साथ एवं समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हम आज सिविल हॉस्पिटल आए हैं और एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो कोरोना की जांच के लिए कोई नुकसान नहीं है और जो कोरोना महामारी फैल रही है तो जांच में से ये पता चल सके कि हम नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव हैं, ताकि हम अपने आसपास रहने वाले नज़दीक रहने वालों को भी सुरक्षित बचा सकें। इसलिए हम समस्त कार्यकर्ताओं के साथ आज स्वेच्छा से ही कोई बीमारी की ना कोई शिकायत होने के बावजूद भी हम अपना सैंपल देना आए हैं कि इसकी जांच की जाए और जनता को भी एक मैसेज पहुँचे कि जांच कराने में कोई नुकसान नहीं है, जिसको पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा और जो इस बीमारी से ग्रसित नहीं है तो उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। तो ये आज हम एक जनता के बीच संदेश पहुंचाने के लिए यहाँ सिविल अस्पताल में उपस्थित हुए हैं।